हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम फिर से अपने उसी पुराने टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा बॉयलर ऑटोमेशन। अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना कि बॉयलर पे कौन कौन से कंट्रोल लूप यूज होते हैं, उनकी एक हमने लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट में से एक कंट्रोल लूप को हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि था हमारा फर्नेस ड्राफ्ट कंट्रोल। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बॉयलर के दूसरे कंट्रोल लूप को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा कंबशन कंट्रोल। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि बॉयलर में कंबशन करने के लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है फ्यूल, दूसरा होता है हमारा एयर मीन्स ऑक्सीजन, तीसरा होता है हीट, जिसे हम इग्नाइट करके जनरेट कर लेते हैं। तो जब हम बात करेंगे कंबशन कंट्रोल की, तो आज हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा फ्यूल फ्लो कंट्रोल। जो बॉयलर फर्नेस की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, फ्यूल। फ्यूल को हम प्रॉपर तरीके से बॉयलर फर्नेस में पहुंचाने के लिए हम फीडर्स का यूज करते हैं, फ्यूल फीडर्स का, जो कि हमारे चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारे प्लांट की कैपेसिटी क्या है। अभी हम बात कर लेते हैं, मानिए किसी बॉयलर में हमारे चार फीडर्स हैं, उस केस में हमारा कंबशन कंट्रोल, फ्यूल फ्लो कंट्रोल का लॉजिक कैसे बनेगा। तो अपना लॉजिक स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल हम फ्लो डायग्राम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को ड्रॉ करने वाले हैं, उसके बाद हम अपने मेन प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। फ्यूल फ्लो कंट्रोल को करने के लिए हमारे सबसे पहले जो हमारी एक पीआई की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है हमारा सुपर हीटेड स्टीम प्रेशर, पीएमए। सुपर हीटेड स्टीम प्रेशर हमारा सिंपली एआई होता है, एनालॉग इनपुट, जो कि हमारा जस्ट इंडिकेशन की तरह काम करता है। अगर हमें इससे कुछ कंट्रोल कराना है, तो उसके लिए हमें एक पीआईडी बनानी पड़ेगी, तो हमने एक पीआईडी भी बना ली। अब इस पीआईडी का जो आउटपुट होगा, वो हमें अपने चारों फीडर्स में देना पड़ेगा। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी कि हम इस पीआईडी के एक आउटपुट को सबसे पहले तो चार आउटपुट में कन्वर्ट करें। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई ब्लॉक है स्प्लिटर, स्प्लिटर ब्लॉक आ गया। इस स्प्लिटर ब्लॉक का काम क्या होगा, ये हमारे एक पीआईडी के आउटपुट को चार आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, चार या छह जितने भी हमारे प्लांट के फीडर्स हैं, फीडर वन, फीडर टू, फीडर थ्री और फीडर फोर। तो सिंपली हमारा एक यही प्रोग्राम बनने वाला है कि किस तरीके से हम स्टीम प्रेशर के थ्रू अपने फीडर्स को कंट्रोल करेंगे। बस अब यहाँ पर जो मिडिल में है, एक प्रॉपर एक्यूरेसी के लिए यहाँ पे हम कुछ और ब्लॉक्स यूज कर लेते हैं, ताकि हमारे जो फ्यूल फीडिंग सिस्टम है, मास्टर फीडिंग सिस्टम है, वो एक एफिशिएंट वे में बॉयलर को फ्यूल प्रोवाइड कराता रहे। तो आइए अपने देख लेते हैं अपने मेन प्रोग्राम को, कि हमारा मेन प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मेन प्रोग्राम को, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं फ्यूल कंट्रोल करने के लिए हमें स्टीम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, सुपर हीटेड स्टीम प्रेशर। और ये प्रोग्राम मैं आपको बता दूं कि हम योकोगावा डीसीएस को रेफरेंस लेकर बनाने जा रहे हैं, और चाहे डीसीएस कोई भी हो, हमारा जो बेस है, जो लॉजिक है, वो सेम रहने वाला है। इसलिए मैं एक सिर्फ एक रेफरेंस लेते हुए आपको इस प्रोग्राम को बनाना बता रहा हूँ। मान लीजिए सबसे पहले तो हमारा सुपर हीटेड स्टीम प्रेशर है, इसकी एक हमें पीआई वैल्यू तैयार करनी पड़ेगी प्रोसेस इंडिकेशन के लिए। तो वो मान लेते हैं हम PI 101, और योकोगामा में इनपुट ब्लॉक के लिए PVI ब्लॉक यूज करते हैं। एक बार ये PVI ब्लॉक हमारा आ जाएगा, उसके बाद हम इसको परसेंट परसेंट ओ PI 101। अब इस एनालॉग इनपुट सिग्नल को हमें PID में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मान लेते हैं हमारा PIC 101, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया PID में। अगर हमारे पास एक ही फीडर होता और हमें एक ही फीडर से बॉयलर का कंबशन कंट्रोल करना होता, फ्यूल कंट्रोल करना होता, तो हम सीधे इसका आउटपुट निकालकर हम उस फीडर को दे देते। लेकिन अभी हमारे केस में चार फीडर्स हैं, तो सबसे पहले इसका जो आउटपुट निकलेगा, हमें उसे चार पार्टों में डिवाइड करना होगा। तो उसके लिए हम एफ आउट ब्लॉक का यूज करते हैं। मान लीजिए PCT 101 हमने ले लिया एफ आउट ब्लॉक अपना। और दोस्तों, ये जो नाम है हमारा PIC 101,
या PI 101, PCT 101, ये हमारे यूजर डिफाइंड होते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे हमें जो कुछ भी नाम अच्छा लगेगा हम यहाँ पे उसे डाल सकते हैं। अब ये एफ आउट ब्लॉक क्या करेगा, एक आउटपुट को रिसीव करेगा और उसे चार आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। तो वो कैसे होगा हम देख लेते हैं। अब यहां पे हमें चारों फीडर्स को अलग अलग डिफाइन करना होगा, और डिफाइन कैसे करेंगे, यहां पे सबसे पहले हम एक लगाएंगे रेशियो ब्लॉक। यहां पे मान लीजिए ए रेशियो हमने ले लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे रेशियो ब्लॉक का काम क्या रहेगा। यहां पे हमने बी रेशियो ले लिया, ये हमने सी रेशियो लिया, यहां पे हमने मान लीजिए डी रेशियो ले लिया। तो यहां पर एफ आउट ब्लॉक ने हमारे पीआईडी ब्लॉक के आउटपुट को एज ए इनपुट रिसीव किया और उस आउटपुट को चार इक्वली डिवाइड कर दिया हमारे चारों फीडर्स के लिए। अभी क्या होगा, हमेशा हमें चारों फीडर्स में बगास को सेम नहीं लेना है। वो क्यों, अभी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक ये फर्नेस है, फर्नेस में हमारे चार फीडर्स हो गए। इन चारों फीडर्स ने कुछ कुछ अपना फ्यूल देना स्टार्ट किया। जैसे मान लीजिए पहले वाले फीडर ने इस हिसाब से मैं फ्यूल प्रोवाइड कराया, दूसरे फीडर ने मैं कुछ ज्यादा दे दिया, तीसरे ने कुछ कम दिया और चौथे ने और भी कम दे दिया। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, इसका तो आउटपुट सेम इन सभी के लिए आ रहा है, सभी के आरपीएम सेम होंगे, तो वो अपना फीडिंग इसी हिसाब से करते रहेंगे। लेकिन अभी मान लीजिए एक नंबर कंपार्टमेंट में हमें फ्यूल ज्यादा चाहिए और चार नंबर में हमें थोड़ा कम चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेशियो का यूज करेंगे। रेशियो में हमारा एक 22 आता है, 22 जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अगर हम इसमें 0.6 कर देंगे तो यहां से जो हमारा आउटपुट होगा वो सीधे मल्टीप्लाइड बाई 0.6 हो जाएगा, तो इसके आरपीएम हमारे कुछ कम होंगे। मान लीजिए यहां पे हमने इसका 22 कर दिया 1.2, तो इसका जो आउटपुट निकल रहा होगा वो 1.2 के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो चौथे नंबर का जो फीडर है, डी नंबर का जो फीडर है, उसकी आरपीएम बढ़ जाएंगे और हमारी बगास जो है बॉयलर में उस फीडर से ज्यादा जाना स्टार्ट होगी, इस फीडर से हमारी कम स्टार्ट हो जाएगी। अभी रेशियो ब्लॉक के बाद हम एक लगाते हैं एमएलडी स्विच ब्लॉक। अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एमएलडी क्या करता है, एमएलडी ब्लॉक के बारे में जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ट्रिपल ए का ले लिया एमएलडी स्विच। एमएलडी स्विच हमारा जो होता है इसी पीआईडी का जो हमारा एक सेट पॉइंट होता है उसको यहाँ पर उठाता है और उसके हिसाब से हमारा जो आउटपुट होता है उसे एग्जीक्यूट करता है। ये मान लीजिए ट्रिपल बी एमएलडी स्विच, ये हमारा ट्रिपल सी हो गया एमएलडी स्विच, ये हमारा ट्रिपल डी हो गया एमएलडी स्विच। एमएलडी स्विच की हेल्प से हमारे चारों फीडरों के लिए कमांड जानी स्टार्ट हो जाएगी। बट फॉर बेटर एक्यूरेसी और एक अच्छा परफॉर्मेंस रखने के लिए हम यहाँ पे एक वेलोसिटी लिमिटर ब्लॉक का भी यूज करते हैं, जो कि हमारे इसका जो आउटपुट निकलता है उसको प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज करता है, उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा वो हमारी जो ड्राइव होगी उस पर पहुंचाएगा। और वो कौन सा ब्लॉक होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ट्रिपल एक्स ले लिया और ये हो गया हमारे वैल्यूम, इसे बोलते हैं वैल्यूम ब्लॉक। वैल्यूम ब्लॉक होता है वेलोसिटी लिमिटर ब्लॉक। ये क्या करता है, हमारा जो एमएलडी स्विच से जो आउटपुट निकलता है फीडर्स के लिए, सबसे पहले उसको रिसीव करता है, प्रॉपर प्रोग्राम के साथ सिंक्रोनाइज करता है, उसके बाद एक फाइनल आउटपुट जनरेट करता है जो कि हमारी बगास फीडर के लिए जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक वैल्यूम ब्लॉक लग जाएगा, सेम सेम एंड सेम। जिस तरीके से हमने यहाँ पे इस पोर्शन पे काम किया उसी तरीके से अगर हमारे प्लांट में 6 फ्यूल फीडर्स हैं, 8 फ्यूल फीडर्स हैं, सेम यही प्रोग्राम उनके साथ भी होगा। तो अभी एक बार फिर से हम इस प्रोग्राम को रिव्यू कर लेते हैं। तो फ्यूल फ्लो कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सुपर हीटेड स्टीम प्रेशर, या जिसे मेन स्टीम प्रेशर भी बोलते हैं। और हमें मेन स्टीम प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सिंपली हमें फ्यूल को कंट्रोल करना पड़ता है, और फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए
हमारे कुछ बगास फीडर्स होते हैं, अगर हमने उनको कंट्रोल कर लिया तो हमारा फ्यूल फ्लो कंट्रोल हो जाएगा, और एक बार हमने अगर फ्यूल फ्लो कंट्रोल कर लिया तो हमारा जो मेन स्टीम प्रेशर है वो भी हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पीवीआई ब्लॉक तैयार करेंगे जो कि हमारा इनपुट ब्लॉक होगा, एआई होगा। उस एआई से हम एक पीआईडी जनरेट करेंगे जो कि हमारे फीडर्स को कमांड देने के लिए यूज होगा, क्योंकि हमारे पास 4, 6 या 8 बगास फीडर्स हैं, इसलिए हमें एक एफ आउट ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा जिससे हम एक पीआईडी आउटपुट को 4 आउटपुट में या 6 आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि एफ आउट ब्लॉक का काम क्या होता है, जो उसने पीआईडी से आउटपुट को रिसीव किया है वो सेम आउटपुट इन 4ों को दे देगा, बट जरूरी नहीं कि हमेशा हमें सेम आरपीएम की रिक्वायरमेंट हो, सेम आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो। अपने आउटपुट को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे रेशियो ब्लॉक यूज करते हैं। रेशियो ब्लॉक में हम 22 का यूज करते हैं ताकि हम इंडिविजुअली इन फ्यूल फीडर्स के आरपीएम को कंट्रोल कर पाएं। उसके बाद ये रेशियो ब्लॉक हमारा एमएलडी स्विच में जाएगा। एमएलडी स्विच का काम क्या होगा, हमारा एक आउटपुट जनरेट करेगा वीएफडी के लिए, और इस आउटपुट को प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज करने के लिए फॉर बेटर एक्यूरेसी हम एक वेलोसिटी लिमिटर ब्लॉक यूज करते हैं, और वेलोसिटी लिमिटर ब्लॉक से जो हमारा आउटपुट निकलता है वो होता है हमारा फाइनल आउटपुट जो कि हमारे बगास फीडर्स में जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने फ्यूल फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एयर फ्लो कंट्रोल की। हमने फ्यूल तो कंट्रोल कर लिया, अब प्रॉपर कंबशन के लिए हमें उसे प्रॉपर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एयर फ्लो कंट्रोल को लेके। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।